वंदे। मंच पर सत श्री अकाल। मंच पर असीन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और इसी जंतर मंतर की धरती से संघर्ष करने के बाद इसी जंतर मंतर पे चंद देश प्रेमी देशभक्त लोगों को इकट्ठा किया, काफला बढ़ता गया, काफला बढ़ता गया और आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक लहर, एक पूरे देश में एक बदलाव और एक क्रांति की खुशबू जो है वो फैल रही है। हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के, और विद्यार्थी जीवन से संघर्ष में और हकों के लिए लड़ने वाले भाई गोपाल राय जी आपके सामने बोल रहे थे। जब वो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। संजय सिंह जी जो राज्यसभा में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी का बल्कि देश का नारा, जो पूरा देश लगा रहा है नारा, वो नारा लगाने जब जाते हैं राज्यसभा में तो राज्यसभा में भाषण कर रहे मोदी जी, क्या ध्यान बटता है कि ये कौन है जो राज्यसभा में इतना सच बोल रहा है कि मोदी अडानी भाई भाई। और हमारी पूरी टीम जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली के एमएलए मंत्री साहबान जो विधानसभा में आपके लिए एक्ट लेके आते हैं, अच्छे अच्छे कानून लेके आते हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाकर मंच पर मौका दिया, मान सम्मान दिया। बहुत से लोग पंजाब से भी आए हुए हैं, पंजाब के प्रभारी जरनैल सिंह जी बैठे हैं मेरे सामने, राज्यसभा मेंबर बैठे हैं हमारे, हमारे वित्त मंत्री चंद दिन पहले बड़ा अच्छा बजट पेश कर चुके हैं हरपाल चीमा जी बैठे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह बैठे हैं, हमारे पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह बैठे हैं, हमारे एमएलए बैठे हैं, हम एक हैं। जब भी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब का रास्ता कोई ज्यादा नहीं है, 200-250 किलोमीटर है, इसीलिए दिल्ली से जो आपका आंदोलन था उसकी गूंज पंजाब में जल्दी पहुंची, इसीलिए पंजाब में 92 सीटें दी। सबको मेरा बहुत बहुत, जो आप चल के आए हो आज इतनी गर्मी के बावजूद, सबसे ज्यादा धन्यवाद ये सामने खड़े मेरे साथी मीडिया वाले, इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, चलो आए तो सही। देखो हिम्मत ही है इस जमाने में कैमरे लगाना हमारे आगे, वो भी इनका कोई कसूर नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है। चलाना इस रैली के बारे में कुछ बताना ये तो इनके बॉसेस का काम है, आगे उनके भी कहां आगे बॉस बॉस बैठे हैं, लेकिन कम से कम वीडियो तो बना रहे हैं ना, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो रहेगा। एक बात हम बोल देते हैं, मुझे किसी ने पूछा कि फलां इलेक्शन लड़ रहे हो सर्वे में नहीं आ रहे, मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है, बस हम नहीं सर्वे में आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं, क्योंकि पार्टी ऐसी है कि इसकी जो गूंज है, इसकी जो तड़प है, वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है और वो लोग दिल से फैसला करते हैं कि इस बार इनको वोट देना है। अच्छे लोग हैं ये, भले लोग हैं और हमारे बीच में से निकले हुए हमारे बेटे बेटियां हैं। तो दिल्ली से जाग मिला, दही जितना मर्जी जमाना हो,
पंजाबी च कहिंदे आ दही जिन्ना मर्जी जमाउणा होवे जाग दा इक चमचे चाहिदा हुंदा। दिल्ली ने जाग दित्ता, असी पंजाब दे विच इमानदारी दा ते सच्चाई दा दही जमा के दिखाया ते पूरे देश दे विच जाग दित्ता। हुण साडे कोले जाग बहुत ज्यादा हो गया, हुण असी पूरे देश दे विच जाग जिहड़ा है सच्चाई वाला चम्मच दही का जो होता है जिसको जाग बोलते हैं वो लगाए। कर्नाटका में गए थे अरविंद जी के साथ, गए थे कर्नाटका में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्नाटका के नेताओं को नहीं जानते लेकिन कहते ये दिल्ली वाला जो आया है ये करता है भाई, काम करता है ये, इसको स्कूल बनाने आते हैं, इसको अस्पताल बनाने आते हैं, इसको बिजली मुफ्त करनी आती है, ये नफरत की बात नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात है जी। आज के इस जमाने में ऐसी इमेज बना लेना, विकास के नाम पर वोट मांगना बहुत बड़ी बात है, वरना देख लो बड़े साहब किस काम पे लगे हुए हैं, एक दूसरे को लड़ाओ, एक दूसरे को उनके धर्मों को जाति को बांटो, ये इस काम पे लगे हुए। हमारी पार्टी पंजाब में दिल्ली में जब भी हमने बात की विकास की बात की, हमने बहुत कुछ सीखा दिल्ली से, हमने मोहल्ला क्लिनिक सीखे, हालांकि सीखने के लिए तो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक और विदेशों के राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी पत्नी भी, ट्रंप की पत्नी भी आके स्कूल देख के गई, लेकिन हमने देख रखे थे कि कभी भी हरे रंग का पेन आएगा तो ऐसे स्कूल हम भी बनाएंगे पंजाब में और ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हम भी बनाएंगे। तो 26 जनवरी 16 मार्च को हमने भगत सिंह जी के खटखड़ कलां गांव में ओथ ली, उसके बाद 15 अगस्त को 100 मोहल्ला क्लिनिक और 26 जनवरी को 500 टोटल मोहल्ला क्लिनिक हो गए हैं जी, और लाखों लोग उसका फायदा ले रहे हैं, दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, टेस्ट मुफ्त हो रहे हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंस भी शुरू कर दिए हैं। हमने वादा किया था, गारंटी दी थी अरविंद जी ने स्टेजों पर जाकर पंजाब में कि बिजली मुफ्त कर देंगे, तो विपक्ष वाले कह रहे थे पैसे कहां से आएंगे, बार बार पूछते थे पैसे कहां से आएंगे, हमने बताया नहीं उनको कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं के बीच में से आएंगे, तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, जो नजायज जमीनों पर कब्जे कर रखे थे वो छुड़वा रहे हैं, पैसे वहां से आ रहे हैं, और 1 जुलाई से पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है जी, पूछ लो किसी से, 200 किलोमीटर के दोस्त में रहता हूं उनसे पूछ लें। ये होती है विकास की राजनीति। अब देखिए प्रधानमंत्री जी, उनके पास कोई अफसर आता है वो कहता है जी आधी रात को 12 बजे बुला लो लोकसभा और बुला के अनाउंस कर दो नोटबंदी, वो साइन कर देते, अच्छा इससे क्या होगा, इसके लिए होगा, आधी रात को बुला लो जीएसटी लागू कर दो, कौन सी फाइल है, ये फाइल है, वैसे बोल देते हैं फाइल रख जाओ मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ते नहीं है क्योंकि है जी, अच्छा हाँ नहीं तो ऐसी बात नहीं है, फाइलें हमारे पास भी आती हैं, 5-10 मिनट में पता चल जाता है फाइल क्या कहती है, बस ये दिखाने के लिए कि मैंने पढ़ ली है, उसके बाद अफसर को बुलाते हैं साइन कर देते हैं। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री कम से कम पढ़ के तो साइन करें, और हमारे जो कन्वीनर हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, उनको तो पता है पैसा कहाँ से लाना है और कैसे पब्लिक को देना है, उनको सब पता है, ये फर्क होता है पढ़ाई का। तो इसलिए उनको ये लगता है कि मेरे आसपास जो हैं, मैं जिधर भी देखूं मेरी फोटो नजर आए, मेरी फोटो नजर आए, एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस है ये, उसको आदमी को ये लगता है जिधर देखूं बस मैं हूं, मैं मेरा ही नाम लिखा हो, मेरा ही नाम सब जगह पे, इसीलिए जो आप ये लेके बैठे हो मोदी हटाओ देश बचाओ,
इसका उसने पोस्टर हटाओ, देश बचाओ कर दिया, पोस्टर उतार दिए। भाई साहब क्या बात हो गई, ये लोगों का हक है, लोकतंत्र है, कह सकते हैं वो। पहले कांग्रेस ने भी एक बार कहा था गरीबी हटाओ कांग्रेस लाओ देश बचाओ, गरीबी तो नहीं हटी, गरीबी हटा दी उन्होंने। ये भी ऐसे ही है। किसी ने मुझे भेजा कि एक आदमी था बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, जब बड़ा हुआ उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। तो ऐसी कहावत चलती है, ऐसी बुझारत चलती है आजकल, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया भाई साहब। तो उसको अगर देश हमारे सामने बिक रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जैसे, गोपाल राय जैसे, संजय सिंह जैसे लोग अगर बता रहे हैं जनता को कि भाई देश बिक रहा है, हमारे सामने कुछ करिए, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, देश बिक रहा है, देश सेल पे लगा रखा है अपने चंद पूंजीपति दोस्तों के पास, देश सेल पे लगा रखा है, तो इसमें क्या आपत्ति वाली बात है जी? तो रोकना हमारा काम है। आज का दिन 23 मार्च, आज के दिन मैं खटखड़ कलां जाके आया हूं भगत सिंह के गांव में, उसके बाद मैं हुसैनी वाला जाके आया हूं जहां उनकी समाधि है। आज के दिन अंग्रेजों ने 23 साल के 22 साल के 3 नौजवानों को फांसी दे दी थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनको ये लगता था इनको फांसी देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फांसी शरीरों को दी, उनके विचारों को नहीं दे पाए, विचार जिंदा है अभी भी। देखिए भाई साहब, विचार किसी भी उम्र में आ सकते हैं। भगत सिंह 17 साल की उम्र में घर से निकले थे और 23 साल की उम्र में फांसी हो गई, लेकिन 6 साल में उनकी बौद्धिकता अगर देखोगे पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या आदमी थे वो, क्या लोग थे वो। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, भुक्टेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, क्या लोग थे वो। उन्होंने अपने सपनों की आजादी ये तो नहीं सोची थी जो आजकल है, ये तो उनके सपनों की आजादी नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या नहीं, वो कहते थे आजादी तो आके रहेगी, आजादी तो मिलेगी। चिंता सिर्फ एक बात की थी, जो चिंता बिल्कुल सही निकली, चिंता उनको ये थी कि आजादी के बाद ये देश कौन से हाथों में जाएगा, और वो चिंता उनकी सही निकली। 75 साल हो गए भाई साहब, अभी सीवरेज, गलियां, नालियां, छप्पर, टोबे अभी वहीं रुके हुए हैं, 75 साल हो गए। और बड़े साहब हैं वो, उनको ये लगता है जब से मैंने ओथ ली है देश तब से याद हुआ है। वो 6 साल भाजपाई वाले भी खा जाते हैं बीच में ही, उनमें भी कह देते हैं 70 साल से कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता। जो सिकंदर था वो जीतना शुरू कर चुका था 18 साल की उम्र में, जीत कर आगे चला जाता था, अगले राजे को जीतता था फिर आगे चला जाता था। ये बात मैंने लोकसभा में बोली थी, अगले जीतता चला गया। क्या गलती हुई? एक बहुत बड़ी गलती कर गया सिकंदर, जो आजकल बड़े साफ कर रहे हैं। जीतते तो चले गए, जैसे कोई स्टेट अगर नहीं जीती तो छीन भी लेते हैं इधर से उधर से खरीद के, जीतते और छीनते तो चले गए सिकंदर की तरह, वापस जाना भूल गए भाई साहब। जब वापसी का टूर निकला सभी राजे खड़े थे, आजा जाएगा कहाँ। तो इसीलिए हम कहते हैं हंकार नहीं करना चाहिए, 2 बार जीत गए फिर क्या होगा, वापस भी जाना होता है, लोगों को हिसाब भी देना होता है, 130 करोड़ जनता हिसाब मांगेगी। तो वापस भी जाना होता है, हंकार नहीं करना चाहिए। हर वक्त अरविंद केजरीवाल जी हमको यही समझाते हैं, जिस मर्जी कुर्सी पे बिठा दे जनता, जनता के लिए काम करना है, हंकार नहीं करना है, क्योंकि हंकार, पंजाबी में हमारे कहते हैं हंकार दा सिर नीवा, हंकार का सर नीचे होता है। बड़े बड़े हंकारी आए चले गए भाई साहब, ये पब्लिक है,
जब चाहे आदमी अर्श पर और जब चाहे आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं, बड़े बड़े को गलतफहमी हो गई थी कि हम तो शायद इसी गद्दी के लिए बने हैं। नहीं नहीं, ये नहीं होता, लोग हैं जी, लोग बड़े हैं। और भगत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि आज यही होगी, उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि उनकी आत्मा भी सुन रही होगी कहीं ना कहीं कि चलो जंतर मंतर पे कुछ लोग तो इकट्ठे हुए, घर से निकले, मेरे सपनों की आजादी को बचाने के लिए कुछ तो निकले। जब भगत सिंह जी आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे तब भी लोग मजाक करते थे कि ये छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े अंग्रेज साम्राज्य को हिला देंगे, उनको भगा देंगे, हो ही नहीं सकता, लोग मजाक करते थे। लेकिन उन्होंने हिला दिया, उन्होंने उनको भगा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके पास, भगत सिंह जी एक ऐसी शक्ति दे गए हैं जिसकी शायद शक्ति को आपको भी नहीं पता कि कितनी शक्ति है। उस शक्ति का नाम है वोटर कार्ड। आप अपना वोटर कार्ड देखना जाके घर पे, उस पे फोटो तो आपकी ही लगी होगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ी थोड़ी गौर से सोचोगे तो उसमें आपको शहीद भगत सिंह, सरदार ऊधम सिंह, करतार सिंह सराबा, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं, सूरमाओं की खून की सुगंधि आएगी। तो आप सोचते होगे कि भगवंत मान ये कैसी बात कर रहा है, वोटर कार्ड से क्या संबंध हुआ भगत सिंह के खून का। जी मैं बताता हूं, शादियां तो तब भी होती थी, सांस तो अंग्रेजों के जमाने में भी लोग लेते थे, गिद्दे भंगड़े भी होते थे, लेकिन अंग्रेज वोट नहीं डालने देते थे। भगत सिंह जी की लड़ाई यही थी अंग्रेजों के साथ कि आप जाइए, ये हमारा देश है, हम अपने नेता खुद चुनेंगे, हम अपने लीडर अपने आप चुनेंगे, हम अपने वोट से लोकतंत्र डेमोक्रेसी से हम अपने लोग चुनेंगे, अपने नेता चुनेंगे। तो इसी चक्कर में उनको फांसी दे दी गई, लेकिन उसके बाद देश आजाद हो गया। आजाद हो गया तो हमारे पास वोटर कार्ड बन गया। तो वोटर कार्ड बन गया मतलब वोटर कार्ड किसने बनवाया? शहीद आजम भगत सिंह जैसे हजारों योद्धाओं ने अपना खून दे के ये वोटर कार्ड बनाया है। बड़ा दुख होता है जब पता चलता है इस मोहल्ले में जी वोटर कार्ड 2000 में बिकता है, इस मोहल्ले में तो दारू बांट दो जी चार पेटियां तो वोटर कार्ड जहां मर्जी ले जाओ, बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूं उसकी कीमत पहचानो, भले ही हमको ना डालो लेकिन अपनी मर्जी से तो डालो। कम से कम जब आप वोट का कोई सौदा करते हो 2000 में, 5000 में या किसी लालच में आकर, तो वो वोट का सौदा नहीं होता, वो शहीद आजम भगत सिंह जैसे हजारों योद्धाओं के खून का सस्ता सौदा होता है। खून का सस्ता सौदा मत करो। उन्होंने बहुत बड़ा हथियार दे दिया, वो वोट डाल के बदल दो, जो लूट रहा है उसको बदल दो, जो खराब है उसको बदल दो, आपके पास चांस मिल गया। अब भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति के लिए हर बार बंदूक उठानी नहीं पड़ती, क्रांति के लिए किताबें भी होती हैं। हम लोगों ने भगत सिंह की ऐसी इमेज बना दी है, शायद वो एक लड़ाका नौजवान था लेकिन उनके हाथ में किताबें भी थी। ये भी सोचो, कभी किताब वाली फोटो देखना, कभी आप पढ़ना कि भगत सिंह क्या क्या किताबें, कौन सी किताबें पढ़ते थे और क्या लिखते थे। उनको जब कहा गया शादी करनी है तेरी, तो भगत सिंह ने कहा, उस दिन मंगना था, मंगनी थी उस दिन जिस दिन भागे थे, तो उन्होंने कहा इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। जो वतन की सरजमी को, जो देश की धरती को महबूब बनाने वाले लोग थे, उन क्या लोग थे, तो उनके सपनों की आजादी, ये चंद जो नफरत फैलाने वाले उसका उस आजादी का गलत इस्तेमाल करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने कुछ नहीं बनना जी, जितने भी बैठे हैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले बैठे हैं, कोई अफसर था इनकम टैक्स में, कोई अपना एनजीओ चला रहा था, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा था, मैं फेमस कलाकार था, वकील थे, कोई डॉक्टर थे, सब अपनी अपनी जगह काम पे लगे हुए थे, इसी जंतर मंतर पे आए कि भाई साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून तो बना दो। तो यहाँ मजाक सुनना पड़ता था उनका, ऐसे सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते। अगर इतना ही शौक है कानून बदलने का, भ्रष्टाचार हटाने का, चुन कर आइए सड़क पर बैठकर, सड़क पर बैठकर नहीं होगा, चुन कर आइए। देखो भगवान की लीला, एक आदमी को झाड़ू देकर भेजा, झाड़ू ने ऐसी सफाई की कि हम चुनकर आ गए, वो सड़कों पर बैठे। ये फर्क है।
अभी हम क्यों कह रहे हैं, हमारा क्या लेना देना मोदी जी हटाओ या किसी और को हटाओ, हम क्यों कह रहे हैं? हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ी कि मोदी हटाओ देश बचाओ। हमें तो दिक्कत यह है कि हमारे सामने हमारा देश बिक रहा है। तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगी, भाई जब देश बिक रहा था तुम क्या कर रहे थे? कम से कम हम जितने लोग आए हैं, ये अगली पीढ़ी को आंखों में आंखें डालकर तो कह सकते हैं, जिस दिन जब देश बिक रहा था हम आवाज तो उठा रहे थे ना। सूरज ने डूबने से पहले पूछा, कोई है जो मेरी जगह लेगा? तो एक छोटे से दिए ने कहा, मैं कोशिश करके देखूंगा। कोशिश तो करिए ना, कोशिश तो करनी बनती है ना। एक जंगल में आग लग गई, पूरे जंगल में आग फैल गई, सब जानवर भाग गए। एक छोटी चिड़िया थी, चोंच में थोड़ा पानी भर के आग पर फेंकती, फिर जाती फिर चोंच भर के लाती पानी की, फिर आग पर फेंकती। फिर जब 10-15 बार ऐसा किया, दूसरे जानवर हंसने लगे, अरे भोली चिड़िया ये तेरी गलतफहमी है, तेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, भाग जा। चिड़िया ने कहा, ये मुझे पता है मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब जंगल की हिस्ट्री लिखी जाएगी आप सबका नाम दुम दबाकर भागने वालों में होगा और मेरा अकेली का नाम आग बुझाने की कोशिश करने वालों में। यही फर्क। तो क्यों कह रहे हैं हम? वो कहते हैं ना तो खाने दूंगा ना खाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक अरविंद जी, एक गांव में भैंसे चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया, लोगों की दूध देने वाली भैंसे चोरी हो जाती थी। एक रात दो भैंसे चोरी हो गई, अगली रात फिर एक भैंस चोरी हो गई, तीसरी रात फिर दो भैंसे चोरी हो गई। तो गांव वाले इकट्ठे होकर एक साधु संत के पास गए, उसी गांव के बगल में ही रहता था वो। उन्होंने कहा, जी संत जी अपनी तीसरा नेत्र खोलिए और हमें बताइए क्या हुक्म है, क्या करें, हमारी तो भैंसे चोरी हो रही हैं और हमारा काम जो है वो दूध पर चलता है, हमारे परिवार पलते हैं दूध पर। तो उन्होंने, जो संत महात्मा थे, उन्होंने कहा एक चादर तान लेना, चारों कॉर्नर जो है ना, चारों कोने चादर के चार आदमी पकड़ के खड़े हो जाएं और अनाउंसमेंट कर दो, पूरा गांव उस चादर के नीचे से निकलेगा, निकालते जाना, जिसने भी भैंसे चोरी की होंगी जैसे भी चादर से नीचे से निकलेगा, तुरंत निकलने के बाद वो मर जाएगा। अनाउंसमेंट कर दी, चार आदमी चादर लेके खड़े हो गए, भाई साहब पूरा गांव निकल गया, बच्चे भी निकल गए, बूढ़े भी निकल गए, नौजवान भी और साथ में औरतें भी महिलाएं भी सब निकल गए, कोई नहीं मरा। कोई इधर उधर कोई रिश्तेदारी में क्या हुआ था उसको भी लाए, उसको भी नीचे से निकालो, है तो अपने गांव, कोई नहीं मरा। फिर दोबारा गए, संत जी कोई नहीं मरा। तो संत जी ने कहा कि चद्दर किसको पकड़ाई थी? कहते ये और ये और ये। तो संत ने कहा, जो भैंसों के चोर थे वो तो चद्दर तान के खड़े थे और चोर अपने आप में से ढूंढ रहे हो। सो देश को बेचने वाले तो चद्दर पकड़कर खड़े हैं और चोर हम जनता में से ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, इनसे चद्दर, देश की चद्दर इनसे छीन कर इनको चद्दर से नीचे से निकालो, देखना इंसाफ कैसे होता है। एक एक रुपए का हिसाब लेंगे, 130 करोड़ जनता का हिसाब करना है, 130 करोड़ लोगों का हिसाब करना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी देर बाद जंतर मंत्र आए हैं, क्योंकि आम तौर पर सरकारें जंतर मंत्र पर आती नहीं हैं, लेकिन हम लोग की लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है। हम तो सरकार में भी आ जाएं फिर भी हमारा तो कोई ना कोई देश के लिए कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन जो है वो चलता ही रहता है। तो ये धरती जो है वो ऐसी है जहाँ जो सच्चे दिल से यहाँ पर आके दिल से आवाज़ लगाए देश के लिए, तो भगवान परमात्मा सुनता है। हालांकि ये मेला लगा हुआ है जंतर मंत्र पे, पीछे देख लेना, कोई किसानों का वो बैठे हैं, किसानों के जो आत्महत्याएं कर ली, किसी कोई कुछ अपना मांग लेकर बैठा है, लेकिन हम यहाँ एक बड़े मिशन के लिए आए हैं। और मैं
यही बात कहूंगा कि देखो आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा, साथ में जमानत, और सतेंद्र जैन को और सिसोदिया को अभी जुर्म भी तय नहीं हुए, सीधा जेल। यही तो फर्क है ना, फिर यही तो पक्का पता चलता है ना कि उनको ऐसे रखते हैं जैसे वो मतलब बहुत बड़े नेता हों और हमको कुछ समझते नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो नेता है भी नहीं, हमको तो बुलाने वाले तुम लोग हो। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगाने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, कुछ तो आते हैं, वो उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है ना अपने आका को, तो वो पूछेंगे अभी अरविंद जी बोलेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे, उसके बाद वो पूछेंगे शाम को घर बुलाकर कैसा रहा, तो फिर रिपोर्ट देंगे। नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो फिर उनको ऐसे नारे लगाओ कि उनको बताना ना पड़े कितनी जोर से लग रहे थे। वो कहें सर ये पूछने की बात है, आपके घर पे भी तो सुन रहे होंगे, यही तो घर है इनके, यही तो घर है आसपास इनके, तो इनके जो घरों की ताकियां और इनके शीशे हिल जाएं इंकलाब जिंदाबाद से, और शहीद आजम भगत सिंह का देना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। है कुछ जो मेरे वाला दिया जगा रखा है, जिन्होंने इंकलाब वाला दिया जगा रखा है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इंकलाब। थोड़ा सा वॉल्यूम और कर दो, ये RCR पर जाना है सीधा, अभी नए घर तक ही पहुंचा है, अभी वहां आए नहीं और मुझे लगता नहीं वहां आएंगे, पुराने वाले घर तक पहुंचाना है। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने प्यार सत्कार से सुना, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि भगवान साहब ने बताया, सरदार भगत सिंह भी काफी पढ़े लिखे भी थे और खूब किताबें लिखते थे, शोध करते थे, फिलॉसफी पढ़ते थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो शिक्षा बहुत जरूरी थी। और जो लोग किसी मजबूरी से अशिक्षित भी रह जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, वो भी चाहते हैं जिस डॉक्टर से इलाज कराएं वो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, वो भी चाहते हैं जिस बिल्डिंग के अंदर काम करने जाए उसका इंजीनियर पढ़ा लिखा हो, असली डिग्री हो। कुछ दिनों पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा, सामने बीजेपी के लोग बैठे थे, 8 लोग हैं हमारे यहां, मुख्यमंत्री जी ने कहा जो आदमी ये नहीं समझ सकता 20,000 करोड़ ज्यादा है या 500 करोड़ ज्यादा है, ऐसा अफसर किस काम का, ऊपर से नीचे तक अनपढ़ बिठा रखे हैं। इस पर बीजेपी वाले भड़क गए, 8 लोग कुर्सी से खड़े हो गए, कह रहे जी आपने ऐसा कैसे कह दिया, आपने ऐसा कैसे कह दिया। हमारे लोगों ने पूछा भाई हमने तो किसी को अनपढ़ कहा ही नहीं, आप क्यों नाराज हो रहे हो। तो उन्होंने अच्छा तो आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, हमें नहीं पता कि कौन अनपढ़ है, तो ये सब जानते हैं। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का। एक बार सब लोग दिल से जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे।
मंच पे मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई सरदार भगवंत मान जी, मंच पे मौजूद हमारी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सभी सदस्यगण, आज यहाँ पे आए हुए सभी दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, पंजाब से आए हुए और दिल्ली के सभी एमएलए और सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज तीन महान हस्तियों का शहादत दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन लोगों ने आज सुप्रीम कुर्बानी दी थी हमारे देश को आजाद कराने के लिए। मैं सोच रहा था, सोच के देखो जरा, फांसी पे चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। एक छोटी सी चींटी अगर हमारे को काट जाए तो हमें दर्द होता है, फांसी पे चढ़ के अपनी जान दे देना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उसके लिए अलग किस्म का जज्बा चाहिए। और जब वो लोग फांसी पे चढ़ रहे थे, उनके दिल में क्या विचार होंगे आप सोच के देखिए। उनके दिल में भारत का सपना था। 23-23 साल के तीन युवा, भारत का सपना था उनके दिल में कि एक दिन हमारा भारत आजाद होगा, एक दिन उस भारत के अंदर सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर किसान खुश होगा, मजदूर खुश होगा, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, सारे देश के अंदर प्यार और मोहब्बत होगी। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन सब लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ खूब पोस्टर चिपकाए थे, खूब पोस्टर चिपकाए थे। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया था। आज तक, आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों ने किसी को पोस्टर चिपकाने के जुर्म में एफआईआर नहीं की थी। भगत सिंह ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भारत बनेगा आज से 100 साल के बाद, कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर हो जाएंगी, 138 एफआईआर। इस देश के अंदर किसी महिला के साथ कुछ गलत काम हो जाए तो एफआईआर दर्ज कराना नानी याद आ जाती है। इस देश के अंदर चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कोई छीना झपटी हो जाए, मारपीट हो जाए, मर्डर हो जाए तो एफआईआर नहीं होती। 24 घंटे के अंदर पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर। छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया कहते हैं। एक कोई प्रिंटर है और छह लोग हैं जो बेचारे गरीब आदमी दीवारों पे पोस्टर चिपका रहे थे उनको। यार ये चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? हमारे महान देश के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर और छह गरीब आदमियों से भिड़े पड़े हैं परसों से, ये शोभा देता है हमको? इतने महान देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर से भिड़े पड़े हैं परसों से? ये पोस्टर ही तो था मोदी हटाओ देश बचाओ, लगा लिया, क्या फर्क पड़ गया? तबीयत ठीक है प्रधानमंत्री जी की? इतना डर किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? इतनी इनसिक्योरिटी, इतने इनसिक्योर हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। एक मेरे को बीजेपी वाला मिला,
कहता है सर प्रधानमंत्री मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब हैं? कहता है जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है, 3 घंटे में तो किसी इंसान का काम नहीं चलता, 3 घंटे की नींद से तो 6 घंटे की नींद चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको जो सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। तो मेरी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे तभी देश तरक्की करेगा। आज इन्होंने, बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ भी बहुत पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में, मीडिया वाले आए, पता चला कोई पुलिस उनको, मेरी सारे पुलिस वालों से विनती है हाथ जोड़ के किसी को गिरफ्तार मत करना, जनता का हक है पोस्टर लगाना। केजरीवाल अच्छे काम करेगा तो जनता जय जयकार करेगी, केजरीवाल बुरे काम करेगा तो जनता पोस्टर भी लगाएगी मेरे खिलाफ, लगाए मेरे खिलाफ पोस्टर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं उन बेचारों को छोड़ दो यार, वो 6 गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दो, थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उन 6 को छोड़ दो, गिरफ्तार कर रखे उन लोगों को। हैं जी अभी आएंगे उस पे। आज देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना भ्रष्टाचार हो गया। आज से 3-4 साल पहले लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता को बड़ा अच्छा लगा, जनता ने सुना, टीवी में देखा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता को बड़ा अच्छा लगा। अगले ही दिन सोमवार को एक कांग्रेस का बड़ा नेता, उसके घर ईडी के छापे पड़े, उसके घर सीबीआई के छापे पड़े, खूब कैश मिला, खूब संपत्ति मिली, हिसाब बेहिसाब कैश मिला। मंगलवार को वो नेता जाके प्रधानमंत्री जी के चरणों में गिर गया, बोला प्रधानमंत्री जी मेरे को भाजपा ज्वाइन करनी है। बुधवार को उसने भाजपा ज्वाइन कर ली, बृहस्पतिवार को उसके सारे केस बंद कर दिए। तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नेता, उसके घर ईडी के और सीबीआई के छापे पड़े, खूब कैश मिला, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके सारे केस बंद कर दिए। तो लोगों को लगने लगा यार ये प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहा है, कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं? तो पूरे देश में एक राज्य के अंदर 8 MLA इन्होंने ईडी सीबीआई भेज के छापे मारे, उनको सारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक और राज्य के अंदर 20 MLA उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। तो प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ है, मोदी जी कह रहे हैं मेरे को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, करो भ्रष्टाचार, खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के नहीं करने दूंगा। दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, जो भ्रष्टाचार करना है मेरी पार्टी में आके भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार करो खुली छूट है, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, खुलेआम भ्रष्टाचार करो, ये भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। इनके एक नेता है कर्नाटक में, उनके घर पे रेड हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा वो पहुंच कैसे गए उसके घर रेड में, उसे उम्मीद ही नहीं थी रेड होगी। 8 करोड़ रुपए कैश मिला, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ कैश मिला, अगले दिन बेल हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया के घर एक नया पैसा नहीं मिला,
मनीष सिसोदिया के घर तीन तीन बार रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला, बैंक लॉकर से पैसा नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला। आज तक मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सतेंद्र जैन के घर रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला, तीन तीन बार रेड हुई, एक नया पैसा नहीं मिला, आज तक उसको बेल नहीं मिल रही। कह रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अरे गुजरात के अंदर पता नहीं कितने लोग मर गए नकली शराब से, पता नहीं कितने सौ। मैं जब हम और भगवंत मान गए थे उसी टाइम शायद 150 लोग, 150-150 लोग मरे थे शराब से, नकली शराब से। पता नहीं, कह रहे हैं वह शराबबंदी है, खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम शराब बिक रही है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शराब घोटाला अगर कहीं है तो गुजरात के अंदर है। कहते हैं 10 से 15 हजार करोड़ रुपए सालाना का शराब घोटाला है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है जी। 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला है गुजरात के अंदर, वहां पे कुछ नहीं होता। तो वो उनके अपने जब शराब घोटाला करते हैं, उनके अपने जब चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। अडानी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे, भ्रष्टाचार के, इसके उसके, सरकार ने उसकी हिम्मत नहीं सरकार की है कि इंक्वायरी तक नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कमेटी बिठाई है तो गड़बड़ तो है, सुप्रीम कोर्ट यूं ही तो कमेटी बिठा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई है, प्रधानमंत्री ने सीबीआई और ईडी नहीं भेजी अडानी के घर में। तो मैसेज सारा साफ है पूरे देश को कि मेरे वाले जब जब घोटाला करेंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी में रहकर भ्रष्टाचार करो, इसको भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं कहते। अभी मैं कर्नाटक में गया, कर्नाटक में वहां पे बीजेपी की सरकार है, उसको 40% कमीशन की सरकार कहते हैं। क्यों? हर ठेके में बताते हैं 40% लिए जाते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ होगा कि वहां के सारे ठेकेदार इकट्ठे हो गए। ठेकेदारों की एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि अब हमसे काम नहीं होता जी, 40% कमीशन देने के बाद कुछ नहीं बचता, आप कुछ करो। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ नहीं करा, जो ठेकेदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था उसको उठा के जेल में डाल दिया। एक व्हाट्सएप आया था, कहते हैं जी सारे देश में चुन चुन के मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में इकट्ठा कर लिया और प्रधानमंत्री जी अब चोरों के सरदार हैं। अच्छा नहीं लगता जब कोई प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब लोग आपस में ऐसी चर्चा करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी में अगर हमारा अपना भी अगर भ्रष्टाचार करता है तो बख्शते नहीं है हम उसको। जब मेरी दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में हमारा खाद्य मंत्री गड़बड़ करते हुए पकड़ा गया, अभी मीडिया को भी नहीं पता था, पुलिस किसी को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, मैंने अपने खाद्य मंत्री का मामला सीबीआई को सौंप दिया खुद ब खुद और उसको अपनी कैबिनेट से निकाल दिया। भगवंत मान साहब ने थोड़े दिन पहले इनका सेहत मंत्री, उसके खिलाफ इनको पता चला, उन्होंने अपने आप से सेहत मंत्री को हटा के पुलिस को सौंप दिया। अभी थोड़े दिन पहले एक एमएलए पंजाब के अंदर गड़बड़ करता हुआ पाया गया, अपना खुद का एमएलए इन्होंने पकड़ के उसको पुलिस को सौंप दिया। मोदी जी अगर ईमानदारी सीखनी है तो आप आम आदमी पार्टी से ईमानदारी सीखिए, नहीं तो ये भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आज दिल्ली की सरकार को चलाते हुए 8 साल हो गए। इन 8 सालों में हमने जो भगत सिंह का सपना था, भगत सिंह के विचार थे, उसके हिसाब से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर गरीब के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, हर परिवार के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज जितनी तेजी से विकास हो रहा है, 75 साल के अंदर उतनी तेजी से विकास नहीं हुआ था। हमारी पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, हमारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। और जब मैं सरकार चला रहा हूं
मैं मीटिंग लेता हूं अफसरों की, मैं ये देखता हूं कि मुख्यमंत्री को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। ये अफसर आपको यूं घुमा देते हैं, आप मीटिंग लेते हो वो यूं घुमा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कोई क्या कह गया, आपसे यूं ही फाइलों के ऊपर साइन करा लेते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो आप सरकार नहीं चला सकते, आपको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। 2016 नवंबर में नोटबंदी की गई, पूरे देश में एक दिन रात को 8 नवंबर को रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि आज से 500 के और 1000 के नोट लागू नहीं होंगे। पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोगों के घर में खाने को नहीं था, लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए, पता नहीं कितने लोग शहीद हो गए लाइनों में खड़े हुए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितनी दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरा देश 10 साल पीछे चला गया, पूरा देश 10 साल पीछे चला गया। बाद में मैंने पता किया ये नोटबंदी हुई क्यों थी, तो पता चला प्रधानमंत्री जी के पास कुछ लोग गए, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बना दिया, बोले प्रधानमंत्री जी अगर आप नोटबंदी कर दोगे तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भ्रष्टाचार दूर हुआ? बोले प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दोगे आतंकवाद दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आतंकवाद दूर हुआ? मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रधानमंत्री जी से एक पत्रकार ने पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा मैं हाई स्कूल तक गया हूं, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। एक और उनका भाषण सुन रहा था, उसमें वो खुद ही कह रहे थे मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं हूं, गांव के स्कूल में गया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं समझ गया अगर देश में आज पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते भाई साहब कभी भी नोटबंदी नहीं होती, क्योंकि वो समझ जाते कि नोटबंदी से कितना नुकसान हो सकता है। अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते हो तो देश 10 साल पीछे नहीं चला जाता, देश की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे नहीं जाती। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है। जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी तो लागू होना ही था, उसके पहले कांग्रेस की सरकार से यह जीएसटी के टाइम से जीएसटी का मामला चल रहा था। जीएसटी लागू किया गया, लेकिन जिस तरह से लागू किया गया, आज पूरे देश के किसी व्यापारी से पूछ लो सारे छाती पीट के रो रहे हैं, ये क्या जीएसटी कर दिया है कि नहीं है? किसी से जीएसटी नहीं संभल रहा, इतने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिए, उनकी फीस रख ली है, जीएसटी पल्ले ही नहीं पड़ता। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते जीएसटी ठीक से लागू हो गया होता, इतनी तकलीफ नहीं होती पूरे देश के अंदर व्यापारियों को जितनी आज जीएसटी की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। दोस्तों ये 3 किसानों के खिलाफ कानून लेके आए, बोले बड़ी क्रांति आ जाएगी, बड़ी क्रांति आ जाएगी। किसान रो रहे हैं, पीट रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं मर जाएंगे ये कानून मत करो, माने ही नहीं। अंत पंत में जब एक साल कई 750 किसान शहीद हो गए, एक साल तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, उसके बाद इनको 3 कानून वापस लेने पड़े। आज अगर देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते वो पहले ही समझ जाते कि ये 3 कानून किसानों के खिलाफ है। पिछले 3 साल में देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये चल क्या रहा है? सरकारी स्कूल तो और खुलने चाहिए थे, 60,000 क्या 6 लाख सरकारी स्कूल खुलने चाहिए थे। देश में 6.25 लाख गांव है, हर गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, और ये स्कूल बंद कर रहे हैं। आज अगर एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता वो शिक्षा की कीमत को समझता, वो समझता कि देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, वो 60,000 सरकारी स्कूल बंद नहीं करते, वो 6 लाख नए सरकारी स्कूल खोलते। आजादी के बाद
75 साल हो गए आज तक देश के सरकारी स्कूलों का इन सारों ने मिलकर भट्ठा बिठा दिया। गरीब अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, 75 साल के बाद ऊपर वाले ने एक शख्स को भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने देश के सरकारी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आप जाके देखो, अभी मैं 4 दिन पहले एक नया स्कूल उद्घाटन करके आया हूं, दिल्ली का DPS मॉडर्न स्कूल वसंत वैली, GD गोयंका को पीछे छोड़ते हैं आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल। इतना शानदार स्कूल, इतने शानदार सरकारी स्कूल, इतना हमारे बच्चे, गरीबों के, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। ऐसा शख्स जिसने देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों के मन में, उनके माँ बाप के मन में एक उम्मीद पैदा की कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। नहीं तो एक रिक्शे वाले का बच्चा सोचता था मेरा बेटा भी रिक्शा चला लेगा, मजदूर का बच्चा सोचता था मेरा बेटा भी अब मजदूर बनेगा बड़ा होके। अब ये सपना देख रहे हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अमीर बनेंगे। ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री जी ने जेल में डाल दिया। कोई अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो मेरे को फोन करते, कहते अरविंद जी पार्टी बाजी छोड़ो, आप ये मनीष सिसोदिया को मेरे को दे दो, मैं इसको देश का शिक्षा मंत्री बनाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? उन्होंने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बताओ, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अब मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी, फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। मुझे देश के लिए चिंता हुई कि इतने अच्छे शख्स को इन्होंने उठा के जेल के अंदर डाल दिया। हमारे देश में कोरोना हुआ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सारे मिलके देशवासी ताली थाली ताली बजाओ, उससे कोरोना भाग जाएगा। भागा कोरोना? एक दिन कई सारे वैज्ञानिक बैठे थे, उन वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले कि गंदी नाली में से जो बदबू आती है, उसमें जो झाग निकलते हैं ना गंदी नाली में कीचड़ में से, बोले उसमें से वो जो गैस निकलती है उसमें से चाय बनाओ। तो यार सारे गैस का सिलेंडर छोड़ के गंदी नाली में से ही, ये क्या है? ऐसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। एक दिन बोले ये जो बारिश आती है, बारिश में बादल हो जाते हैं, बादलों के टाइम पे हमें आक्रमण करना चाहिए दूसरे देश पे, उसमें राडार में पकड़ा नहीं जाता वो। मैं देख रहा था, सारे मजाक उड़ा रहे थे उनका। अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस किस्म की बेतुकी बातें नहीं करते, जिससे देश का सर झुक जाता है इन बातों से। इससे बड़ी बात यह, मेरे को डर लगता है, जो अभी मान साहब ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जब फाइलें आती हैं उनको आधे बार अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आज गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, सरकार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अगर आदमी पढ़ा लिखा ना हो, आधी बातें उसको समझ में नहीं आती कि अफसर मेरे से कहां साइन करा रहे हैं। मेरे को डर इस बात का लगता है, चिंता मुझे मेरे देश के बारे में होती है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पढ़े हुए नहीं है तो रोज पता नहीं कितने निर्णय ले रहे हैं, कितने डिसीशन ले रहे हैं, वो डिसीशन सही हैं कि नहीं है, वो निर्णय सही हैं कि नहीं है, वो कौन करवा रहा है उनसे, कोई भी आके उनसे कुछ भी लिखवा के ले जाता है, कोई नोटबंदी करवा देता है, कोई थाली ताली भिजवा देता है, कोई किसानों के कानून बनवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, हमारे देश जा कहां रहा है, हमारा देश, डर लगता है मुझको। इसलिए आज मैं सारे देशवासियों के सामने एक प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूं, क्या 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत का निर्माण कर सकते हैं? ये हम सब लोगों को मिलकर सोचने की जरूरत है। अंत में
आप सब लोगों से निवेदन है, पिछले कुछ दिनों के अंदर पंजाब में शांति बहाली करने के लिए, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमारे प्यारे मान साहब ने जो काम किया है, जितनी मैच्योरिटी के साथ और जितनी शांति के साथ, एक खून की बूंद नहीं भाई, एक गोली नहीं चली, बिल्कुल अच्छी तरह की प्लानिंग के साथ उन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज पंजाब का बच्चा बच्चा, देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भी शानदार कानून व्यवस्था लागू कर सकती है। एक बार सारे जने खड़े होकर मान साहब के लिए ताली बजा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की।